दोस्तों, दुनिया में ऐसी बहुत सारी जेलें हैं जो अपराध करने वाले कैदियों को सजा देने के लिए बनाई गई हैं। पर कुछ जेल ऐसी भी है जिनके नाम से कैदियों के पसीने छूट जाते हैं। उन्हीं में से एक है सेलुलर जेल। हो सकता है इस जेल का नाम सुनकर आप में से बहुत लोग समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो हम आपको बता दें, हम बात कर रहे हैं काला पानी जेल की। काला पानी आजादी से पहले अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर किए गए बेपनाह जुल्म की दर्दनाक कहानी है। एक ऐसी कहानी है जो भारतीय इतिहास में काले अध्याय के रूप में दर्ज है। आज हम आपको अपनी इस वीडियो में क्या होती है काला पानी की सजा, काला पानी की सजा के नाम से कैदी क्यों कांपते हैं, कहां है ये जेल, किसने और क्यों करवाया इसका निर्माण, जैसी बहुत सी चीजों के बारे में बताने वाले हैं। चलिए और देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सेलुलर जेल भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है, जिसे लोग आज काला पानी जेल के नाम से भी जानते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर सेलुलर जेल का नाम काला पानी पड़ा कैसे? तो हम आपको बता दें, इस जेल के चारों ओर समुद्र ही समुद्र था। कई किलोमीटर तक जमीन का यहाँ कोई नामो निशान नहीं था, इसलिए काला पानी भी कहा जाने लगा। ब्रिटिश हुकूमत ने जेल का इस्तेमाल आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को सजा देने और कैद करने के लिए किया था। इस जेल के निर्माण का विचार ब्रिटिश हुकूमत के दिमाग में 1857 की पहली क्रांति के बाद ही आ गया था, और उसके बाद उन्होंने 1896 में इस जेल का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया। अंडमान निकोबार द्वीप के घने जंगलों को काटकर जेल के लिए जगह खाली करने का काम शुरू किया गया। लेकिन वहाँ पर काम करने वाले लोगों के लिए यहाँ की जलवायु, जंगलों में सांप और बिच्छू, उनके लिए लगातार संकट बने रहे। बहुत से लोगों को वहाँ पर मलेरिया ने जकड़ लिया। सबसे पहले अंग्रेज अधिकारियों के लिए आवास, कमिश्नर हाउस, कॉन्फ्रेंस रूम और चर्च जैसी चीजों का निर्माण कराया गया। उसके बाद पूरी जेल पर निगरानी के लिए जेल के बीचों बीच में टावर बनाया गया। इस टावर से ही सभी कैदियों पर नजर रखी जाती थी, और साथ ही इस टावर के ऊपर एक बहुत बड़ा घंटा लगा था जो किसी भी तरह का संभावित खतरा होने पर बजाया जाता। इसके बाद शुरू हुआ ऑक्टोपस की तरह सात शाखाओं में फैली विशाल जेल का निर्माण। हर एक जेल 3 मंजिल की बनाई गई, और इस विशाल जेल में 696 सेल बनाई गई ताकि यहाँ पर लाए जाने वाले सभी कैदियों को अलग अलग रखा जा सके। यहाँ पर कैदियों को एक दूसरे से अलग रखने का एक ही मकसद था कि कैदी आपस में स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी कोई योजना न बना पाए और अकेलेपन का जीवन जीते जीते अंदर से टूट जाए, ताकि वो लोग सरकार के प्रति किसी भी तरह की बगावत करने की हालत में ही न रहे। हर सेल का साइज 4.5 मीटर × 2.7 मीटर था। 3 मीटर की ऊंचाई पर खिड़कियां भी लगी हुई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी ऊंचाई से कोई निकलकर भाग सकता है, लेकिन ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया था कि जेल के चारों तरफ पानी ही पानी है, जिसके कारण अगर कोई भाग कर जाता तो जाता कहाँ। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ कैदियों ने यहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी मंशा में कामयाब नहीं हो सके। इसके साथ ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ एक बार 200 से ज्यादा कैदियों ने भागने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया। कुछ ने वहाँ की खौफनाक यातनाओं को देखते हुए आत्महत्या कर ली थी, तो कुछ को जेलर अधीक्षक वॉकर ने जेल से भागने के लिए 87 लोगों को फांसी पर लटकाने का आदेश दे दिया। सेलुलर जेल के निर्माण में करीब 5,17,000 रुपए की लागत आई थी। इसका मुख्य भवन लाल ईंट से बना है, जो ईंट बर्मा से यहाँ मंगवाई गई, जो आज म्यांमार के नाम से जाना जाता है। और आखिर कुछ सालों के बाद 10 मार्च 1906 को इस जेल का काम पूरा हुआ। इस जेल में बंद क्रांतिकारियों या यूं कहें कैदियों पर बहुत जुल्म ढाया जाता था। हर एक कैदी को रोजाना कोल्हू के बैल की तरह 30 पाउंड नारियल और सरसों को कोल्हू में पेरना होता था। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते थे तो उन्हें बुरी तरह कोड़ों से पीटा जाता था और कई सालों तक बेड़ियों में जकड़ दिया जाता था। यहाँ रहने वाले कैदियों को पिसाई करने वाली मिल पर कई घंटों तक काम करवाना, कई कई सप्ताह तक हथकड़ी के साथ खड़े रहकर बागवानी करवाना, रस्सी बनाना, नारियल की जटा तैयार करना, कालीन बनाना, तौलिए बुनने का काम, एकांत काल कोठरी में कैद करना, साथ ही हफ्तों तक भूखा रखना और सलाखों के पीछे कैद करना, ये यातना इतनी भयानक थी कि जिसमें कैदी को मानसिक और शारीरिक तौर पर अपाहिज बना दिया जाता था। दोस्तों, ये तो बहुत ही मामूली सजा होती थी, लेकिन अब जो हम आपको बताने वाले हैं उसे सुनकर हो सकता है कि आपकी रूह कांप जाए।
सोचिए अगर कोई आपको घास से बनी सब्जी खिलाए तो आप क्या करेंगे। हो सकता है गुस्से में थाली फेंक दें या कुछ और, लेकिन काला पानी में रहने वाले कैदियों के पास ये ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि भूखे रहने की वजह से ये घास की सब्जी उन्हें खानी ही होती थी। नमक के नाम पर बस एक चुटकी दिया जाता था। इस खाने की वजह से कई कैदियों की मौत भी हुई। इसके साथ ही उन्हें पीने के लिए जो पानी दिया जाता था उसमें कीड़े पड़े रहते थे, जिसे अगर कोई आम इंसान देख ले तो घिन आ जाए। काला पानी की जेल में कोई शौचालय नहीं बना हुआ था, इसलिए जब भी उन्हें शौच जाना होता था तो वो अपनी सेल का इस्तेमाल करते थे। वहाँ कैदियों को दो बर्तन दिए जाते थे, जिनमें से एक का इस्तेमाल वो खाना खाने और दूसरे का इस्तेमाल शौच के लिए करते थे। जब भी वो अपनी सेल से बाहर आते थे तो इस बर्तन को साफ कर लेते थे। यहाँ तक कि कैदियों के पास सोने के लिए न तो रजाई थी न कंबल। मौसम कैसा भी हो, हमेशा जमीन पर सोना होता था। जब भी वहाँ रहने वाले किसी कैदी ने किसी चीज की मांग की थी तो उन्हें इतनी भयानक सजा दी जाती थी जिसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन ब्रिटिश सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक जानकारी के अनुसार काला पानी की जेल का प्रयोग अंग्रेज सिर्फ भारतीय कैदियों के लिए नहीं करते थे, यहाँ दूसरी जगहों के भी सैनानियों को कैद करके लाया जाता था। ब्रिटिश अधिकारियों के लिए ये जगह पसंदीदा थी क्योंकि ये द्वीप एकांत और दूरी पर था, इस कारण आसानी से कोई आ नहीं सकता था और न ही जा सकता था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापानी शासकों ने इस जेल पर कब्जा किया और अंग्रेजों को ही सेलुलर जेल में बंदी बना लिया गया। साथ में इसकी दोनों शाखाओं को जापानियों ने उसी समय नष्ट कर दिया था। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के साथ ही 1945 में अंग्रेजों ने इस पर फिर से कब्जा कर लिया। काला पानी की सजा काटने वाले स्वतंत्रता सेनानियों में बटुकेश्वर दत्त, विनायक दामोदर सावरकर, बाबूराव सावरकर, मौलाना अहमदुल्लाह मौलवी, अब्दुल रहीम सादिक, गोरी मौलाना, फजले हक, खैराबादी, एस चंद्र चटर्जी, डॉक्टर दीवान सिंह, योगेंद्र शुक्ला, वमन राव जोशी और गोपाल भाई परमानंद जैसे कई नाम शामिल हैं। सेलुलर जेल की दीवारों पर वीर शहीदों के नाम आज भी लिखे हैं। साथ ही वहां एक संग्रहालय भी बनाया है जहां पर अस्त्रों को देखा जा सकता है जिनसे स्वतंत्रता सेनानियों पर अत्याचार किए जाते थे। भारत को आजादी मिलने के बाद इसकी दो और शाखाओं को ध्वस्त कर दिया गया था। बाकी बचे तीन शाखा और मुख्य टावर को 1969 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया। 1963 में यहां गोविंद वल्लभ पंत अस्पताल खोला गया था और यहां पर 500 बिस्तर वाला अस्पताल है और 40 डॉक्टर यहां के लोगों की सेवा कर रहे हैं। अगर आपको भी मौका मिले तो एक बार सेलुलर जेल जरूर जाकर आएं। अपने वीर क्रांतिकारियों की हिम्मत और जज्बे को देखकर गर्व की अनुभूति होगी। भारत सरकार ने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृतियों को आज तक संभाल कर रखा है और जब भी कभी आपको जीवन में घूमने का मौका मिले तो एक बार काला पानी जरूर जाइए। तो दोस्तों, क्या आप भी काला पानी की सजा के बारे में पहले से जानते थे?